हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका जो कॉलिंग बबल है वो डिसेबल हो चुका है या फिर इनेबल हो चुका है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हो इस वीडियो के अंदर। तो आप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखो, और अगर आप लोग चैनल पर चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना है सही प्रॉब्लम सॉल्व वीडियोज़ के लिए। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे सेटिंग्स होते हैं जिसको डिसेबल करने के बाद या फिर इनेबल करने के बाद यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है आपको देखने को मिलता है सिर्फ गूगल डायलर के अंदर। तो सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर के अंदर, और यहाँ पर आपको गूगल डायलर सर्च करना है, और यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको कोई न्यू अपडेट देखने को मिला है क्या। तो सबसे पहले इसको आप जो है लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर लेना, उसके बाद इसके गूगल डायलर के ऐप इन्फो के अंदर जाना है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, नीचे जाओगे अदर परमिशन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे सेटिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक सेटिंग आपको देखने को मिलेगा होम स्क्रीन शॉर्टकट्स, तो इसको जो है आपको इनेबल या डिसेबल कर देना। अगर आपको डिसेबल करना है तो इसको डिनाई कर देना, इनेबल करना है तो इसको अलाउ कर देना। और यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्ले पॉपअप विंडो भी आपको जो है इनेबल डिसेबल कर देना है। अगर आपको इनेबल करना है तो इसको चालू कर देना, और डिसेबल करना है तो इसको डिनाई कर देना है। तो आपका काम हो चुका है। तो इस सेटिंग को करने के बाद कॉलिंग बबल शो होता हुआ दिखेगा आपके फ़ोन के अंदर। तो अभी मैंने करंटली जो इसको डिसेबल किया, डिसेबल करने के बाद मैं आपको यहाँ पर चेक करवा देता हूँ कि मेरा स्क्रीन पे नहीं आता है बबल। तो देख सकते हो अभी मेरा जो बबल वो शो हो रहा था, लेकिन अभी इसको बंद करने के बाद यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो चीज़ है आपको कंट्रोल सेंटर के अंदर दिखेगा, तो आपको कोई भी ऐसे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो आप इसको डिसेबल रखना, और अगर आप कोई नॉर्मल यूसेज करते हो तो इसको आप चालू करके रख सकते हो। तो काफ़ी सिंपल सा ट्रिक है, बस इसको आप फॉलो करो और चालू बंद कर सकते हो। और हो सकता है कि आपके फ़ोन के अंदर इसको करने के बाद, इन सेटिंग्स को करने के बाद भी आपको ये शो होता हुआ देखने को ना मिले। तो सबसे पहले आप इसका जो है क्लियर कैश क्लियर डेटा करके चेक कर लेना, और इस चीज़ को करने के बाद भी अगर आपका इनेबल डिसेबल नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको जो है जितने भी अपने अपडेट्स किए हैं गूगल डायलर के, तो उसको आपको अनइंस्टॉल कर देना है। तो 100% इसका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा आपके फ़ोन के अंदर। तो कुछ इस तरीके से सेटिंग्स को करके गैस जो है आप अपने फ़ोन के अंदर इस चीज़ को जो है ऑन और ऑफ़ कर सकते हो। तो यही ट्रिक आप फॉलो करो, और अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो यही था आपके लिए वीडियो, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।